भाई फिलहाल हम खड़े हैं आसी। जो 3 दिन पहले आपने खबर सुनी होगी, शहीद हो गया एक आसी का लाल, एक हरियाणा का लाल, भारत माता की रक्षा करते हुए अपनी प्राण का बलिदान दे दिया। सामने देख रहे ना, उनका कारण भाई एक फौजी पर अगर कोई आपत्तियां जानो तो उसका मिलिट्री वाले कंधा से कंधा मिला के साथ जाकर वैसी स्थिति आज हो रही है। इनका जो पिता है वो भी आर्मी से रिटायर्ड है। फौजी भाई सारे बैठे हैं, उनके पिताजी बैठे हैं, काके ताऊ बैठे हैं, बात करने की कोशिश करांगे। सर नमस्कार। नमस्कार। 3 दिन पहले आपका बेटा हरियाणा का लाल भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद हो गया, किस तरह देख रहे हो आप इसको? आप भी एक आर्मी रिटायर्ड हो? मैं आर्मी से रिटायर हूँ। मेरे को देखना क्या है, मेरे पास जो चीज थी, मेरे को जो भगवान ने दी थी वो अपना कुछ ही टाइम में अपना काम करके अपना वापिस ले ली। अब मेरे पास वो क्या है करने? एक साइड से दुखी, 3 बहनों का इकलौता भाई, आपका ही बुढ़ापा का एकमात्र सहारा, कोई दूसरा सहारा नहीं दिख रहा, वो अपने प्राणों को बलिदान दे दिया इस आत्मा की रक्षा खातिर। परिवार भी टूट चुका, एक सहारा था, 3 बहनों का एक भाई, उनका किस तरह मैनेज करोगे? उसका भी मेरे ऊपर डिपेंड है, मैं अपने हौसला दूंगा, वो मेरी बेटी नहीं है, बेटे के बराबर है जी। सर आपको कब पता चला आपका बेटा शहीद हो गया? मेरे को पता चला रक्षाबंधन के दिन, मैं कैंट गया हुआ था, मेरे को वहाँ बुलाया हुआ था जी, इसी मतलब जो कारगिल में मैं गया था उसके लिए सम्मानित के लिए कही, तो वहाँ मेरे पास मिस कॉल आई। मैंने फिर बाद में चाय पानी के लिए निकले बाहर, जब मैंने फ़ोन किया उसके बाद बात की सुरदार सुभाष से, और जब मेरे को पता, उन्होंने बताया कि हमारा भाई या बेटा निशांत मलिक मतलब शहीद हो गया। भाई कितनी गर्व की बात है, जो पिता है कारगिल में जख्मी हो रहा था उसको सम्मानित करने के लिए कैंट में बुलाया जाओ है, जब कैंट से वापसी आओ है तो उनको यह खबर मिला है कि आपका बेटा निशांत सिंह मलिक भारत माँ की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। सर आसी में आप कितने दिन से रह रहे थे? मैं आसी से, मैं 99 से आसी में रह रहा हूँ। और निशांत सिंह मलिक की कितनी उम्र थी? उसकी 21 साल। अनमैरिड? अनमैरिड था, 2.5 साल नौकरी थी उसकी। उसका जो यहाँ बैठे हैं, गांव के बैठे हैं, पड़ोस के बैठे हैं, ताऊ जी बैठे हैं, उनका रवैया कैसा था? मतलब कि एक तो चिड़चिड़ापन हो या सब तक मिल के चलता? नहीं, वो सदा हंसमुख और सभी को खुशी देने वाला, जैसा बाग में हम खिलती हुई कली देखते हैं हम तो उसको उसी रूप में देखते हैं। भाई साहब जो है, मेरे छोटे भाई साहब हैं जयवीर सिंह जी, ये उसको डॉक्टर बनाना चाहते थे इनसे कि वो कारगिल वाले युद्ध को याद करके कि मैं डिफेंस में जाऊंगा पिताजी। उसने MBBS के सिलेक्शन को नेगलेक्ट करके मिलिट्री की तैयारी की, मिलिट्री में भर्ती हुआ कि मैं देश की सेवा करूंगा। और इनके पिताजी से भी पर भी मुझे गर्व है कि भाई इतना बड़ा दुख इन्होंने उठा है, लेकिन उसकी शहादत पर ये बिल्कुल गर्व महसूस करते हैं। और ऐसा लड़का, हीरे जैसा लड़का, हर फील्ड में इंटेलिजेंट, पूरी सोसाइटी में जैसे हम कहते हैं कि भाई गुलाब का फूल है, हमारे लिए तो उससे भी बढ़िया शांत स्वभाव। भाई घर का परिवार का माहौल अच्छा है, अच्छे संस्कार दे रखे हैं माँ बाप ने, उसे संस्कार पर वो चला करता, बड़ा छोटा ने राम राम करके हंस के आगत बोल के, खुद का सपना था एक फौजी बनने का, लेकिन जो पिताजी हैं इनका सपना था कि हम इसको मेडिकल लाइन में भेजा, हर चीज में क्वालिफाई करता था, चाहे वो स्टडी से लगा लो, चाहे वो भाईचारा में बैठ के उससे लगा लो। सर हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला अभी 2 मिनट पहले यहाँ पहुँचे हैं, निशांत सिंह मलिक के घर हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला पहुँचे हुए। उस गली की स्थिति मैं आपको दिखा दूँ, ये वो गली है जहाँ से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी अभी जस्ट 1 मिनट पहले गुजरे हैं, ये उस गली की स्थिति है। क्या मांग रखी गई थी उनके सामने? मेरी कोई मांग नहीं है, मैंने कहा मेरी कोई मांग नहीं है, अगर सरकार मेरे कुछ देती है तो मैं मना नहीं करूंगा। आपकी तरफ से कोई मांग? कोई डिमांड नहीं है। सर गांव वाले थे जो यहाँ बैठे थे, उनने समाज ने एक मांग उठाई थी, क्या मांग उठाई थी? इतना जो भयंकर दुख का पहाड़ टूटा हुआ है, 3 लड़कियों की जिम्मेवारी है, सरकार को आर्थिक रूप से इनकी मदद करनी चाहिए, ऐसा
डिप्टी सीएम साहब ने कोई आश्वासन नहीं दिया। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला यहाँ पहुंचे, आश्वासन दिया। क्या आश्वासन दिया? एक आश्वासन दिया, हालांकि पिता ने, निशान सिंह मलिक के पिता ने कोई अपनी डिमांड नहीं रखी, और न सामने से हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने यह कहा अभी जो सरकार जो मुहैया कराती है 1 करोड़ रुपए जो मेरे एक एम्प्लॉय को भाई गवर्नमेंट जॉब, ऐसी कोई बात नहीं कही दुष्यंत चौटाला ने। दुष्यंत चौटाला ने एक बात कही, जो डेरी का स्कूल है उसको शहीद निशान सिंह मलिक के नाम से विख्यात कर दिया, उसके नाम पर चला दिया। सब स्टेडियम की मांग रखी है गाँव वाले ने, उसका भी आश्वासन नहीं मिला है। भाई डेरी के एक्स सरपंच साहब यहाँ पहुंचे हैं, अच्छा आपका परिवार का परिवार क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहते हैं सरकार कुछ दे या ना दे, लेकिन जुलूस नहीं काटे हमारा। सबसे बड़ी बात, ना पिता ने मांग रखी, न जो एक्स सरपंच है परिवार का, इन्हें कोई मांग रखी है। मेरे बेटे पर राजनीति ना करे सरकार, बस हमसे यही सबसे बड़ी मांग हमारी। दुष्यंत चौटाला जब शुरू में MP बना डंडेरी गांव ने 97% वोट दिए थे, एक रिकॉर्ड था जी। लेकिन आज उन्होंने हमसे पूछने की बजाय खुद ही कुछ ना कुछ घोषणा करके जानी चाहिए थी, ताकि हमारा कुछ ना कुछ गांव का एहसान उतार सके जी। लेकिन उनसे हमें ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसे ही आके हर सुखा मतलब गांव को निराश करके चला जाएगा, हमें उनसे ये उम्मीद नहीं थी। निशांत का स्कूल जो स्कूल है, हमारे बुजुर्गों ने स्कूल बनाने के लिए बैलगाड़ियों से मिट्टी ढोई है, वहाँ लेबर की है, और एक एक ईंट हर घर से आदमी जाएगी, उन्होंने मजदूरी करके स्कूल बनाया है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा स्कूल का ही निशांत नाम रख देगा, ये तो हमारा खुद ही है, 1954 से हाई स्कूल है। हमारे बुजुर्गों ने बैलगाड़ियों से मिट्टी ढोड़ो के भर्ती की है, ईंटे मिस्त्री को ईंटे पुसाई है, अनाज इकट्ठा करके काठ कबाड़ ले आए हैं हम उसका। वो स्कूल तो हमारा है ही, निशांत का ही स्कूल है, वह कोई खास बड़ी बात नहीं है, निशांत के नाम आज ही करवा देंगे, वो तो हमारा ही स्कूल है। लेकिन उसके नाम कोई स्टेडियम, कोई बढ़िया लाइब्रेरी जो आधुनिक लाइब्रेरी है, या कोई और ऐसी चीज़ें जो उसका नाम रहे, रोशन रहे, और बच्चों को प्रेरणा मिले कि फौज के अंदर जाके देश में शहादत देने वालों का ये अंजाम होता है, ऐसी कोई बात नहीं की। हमें बहुत दुख है इस बात का, और फिर भी चौधरी देवीलाल का सपुत्र है, कुछ ना कुछ तो उन्हें करना चाहिए था, हम उनसे निराश हैं। सरकार में मौजूदा डिप्टी सीएम है, अगर चाहो तो कुछ भी कर सके। एक मांग रखी है कि स्टेडियम को निशान सिंह मलिक के नाम से कर दिया जाए, कोई रिएक्शन नहीं। जो ये बता रहे हैं सरपंच साहब बता रहे हैं कि जो स्कूल हमने अपने बुजुर्गों ने, हमने अपनी मेहनत से अपना अनाज बेच के उसके सब कुछ लेके आए, हमने अपने रेड़ू की बैलगाड़ी से हमने भर्ती करी, वो स्कूल तो ऑलरेडी निशान सिंह मलिक का था, उसका नामकरण की क्या जरूरत है? अगर नामकरण की कोई चीज़ जो जिससे बच्चों को प्रेरणा मिले, कोई मेडिकल बनवाओ यहाँ पे जिसको निशान सिंह मलिक के नाम पे रखो, जो स्टेडियम उसका नाम रखो भाई, ऐसा कोई लाइब्रेरी बनाए, आधुनिक लाइब्रेरी जो आजकल चल रही है, बच्चों के शहर में जाके पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। स्कूल के में सरकार को कुछ खर्च नहीं करना, केवल एक लेटर जारी करना है कि शहीद निशान सिंह मलिक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डंडेरी, इसमें तो सरकार को मतलब एक लेटर ही जारी करना है, वो तो उन्होंने मान भी लिया, चलो हम भी उससे सहमत हैं। हमारी जो विशेष मांग थी कि भाई शहीद निशान सिंह मलिक के नाम पर एक स्टेडियम बनाया जाए, साथ के साथ एक विशेष मांग ये है कि भाई परिवार कोई मदद नहीं मांगे, को मांगना उचित भी नहीं, उनको तो गर्व है, लेकिन वो तीन बहनें हैं और ये भी जख्मी हालत में, आते तो हैंडीकैप ढो ही रहे हैं कि भाई ये कारगिल के युद्ध में जख्मी हो गए थे, सरकार को चाहिए कि इनकी आर्थिक रूप से भरपूर मदद करें, और जिस नियम के हिसाब से जो तीन बहनें हैं आज वो बेचारी राखी के दिन उनको ये सूचना मिली थी, उनमें किसी को सर्विस के हिसाब से जो भी हरियाणा सरकार मदद कर सकती है वो उन्हें करनी चाहिए, लेकिन ऐसा हमें लगा नहीं कि वे ऐसा कर दिया जाएगा। परिवार ने कोई मांग नहीं रखी, जो मांग रखी थी स्टेडियम की वो गांव वाला ने, इस समाज ने मांग रखी थी भाई शहीद निशान सिंह मलिक के नाम पे स्टेडियम बना दिया जाओ, या कोई लाइब्रेरी बना दी जाओ, या कोई मेडिकल बना दिया जाओ जिससे लोगों को परिणाम मिले, भाई एक लड़का हमारा शहीद हुआ था उसके नाम पर हमने ये बनवा रखा। श्री जयवीर सिंह मलिक रिटायर्ड हवलदार, जिन्होंने कारगिल में भी अपनी सेवाएं दी थी, उन्होंने
किसी से भी किसी भी किस्म की कोई व्यक्तिगत मांग नहीं रखी है, और वो इतने वीर हृदय हैं कि हम दुखी हैं उन्होंने दिल को संभाल रखा है और बच्चे की शहादत पर गर्व है। जो परिवार मौजूद है, जो रिश्तेदार मौजूद हैं, जो सरपंच साहब हैं, इनकी मांग कुछ नहीं थी, इनकी मांग थी भाई जो स्टेडियम है वो शहीद निशान सिंह मलिक के नाम पर कर दिया जाओ। कोई लोगों ने प्रेरणा मिले भाई मारा बच्चा शहीद हुआ था उसका नाम पर यह चीज बना रखी है और भी लोग जागरूक हुए। भाई परिवार की बात सुनी, जो का केताऊ आड़े बैठे थे उनकी बात सुनी और डिप्टी सीएम की बात सुनी, स्कूल ने निशान सिंह मलिक के नाम पर बनवा दिया। जो यो पूरा गांव बैठा ना वो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की बात से बिल्कुल नाखुश है। अगर शहादत होवे है तो उसने परिवार ने आर्थिक सहायता की मांग करी जावे, एक परिवार ने नौकरी देने के बात करी जावे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। सरपंच साहब अगर ठीक है उससे अभी डिप्टी सीएम बात नहीं कह के चली गई, बाद में उसका भी एक जो तीन बेबे हैं अपनी उनमें से एक ने सरकारी नौकरी दे दी जाओ या किस तरह वहाँ तक बात पहुँच जाओ। जो भी सरकार हमारी आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक जो भी मदद करेगा हम उसको शहर से लेने के लिए तैयार हर मदद, लेकिन कोई नाराज नहीं थी के। जी बड़ी बात है ये कि बच्ची अनमैरिड है, ये अपनी जॉब में चली जाए उसको बच्ची को भी सहारा हो जाएगा और उनकी दिनचर्या बढ़िया हो जाएगी। जी तो बार बार एक ही बात कहा, बाप ने भी कह दिया और भी कह रहे हैं के भाई मांग के नहीं लेते कुछ। जी, जी, जी। मंगते नहीं है हम ना, हक जताते यूं जैसे ये लोग जताते हैं राजनीतिक, हक नहीं जता रहे हम। जी। हम शहादत दी है अपने दम पे दी है, हमें अपनी भारत माता से प्रेम है। जी। इनको क्या प्रेम है, ये जो यहाँ बैठ के ढंग से बात भी नहीं करते, क्या चाहिए तुम्हें इस टाइम पे, ये बातें ही नहीं होनी चाहिए। जयवीर जी जी हमारे 7-8 गाँव है, इनमें से जयवीर पहले घायल हुआ था, अभी बेटे ने शहादत दी, तो दुष्यंत जी पहले ही इन पार्टी से जुड़े हुए थे, आज उनका नाम आ जाता है राजबाला, वो 3 दिन पहले भी तो थे यही चीज। सांत्वना देने के लिए तो हर आदमी आता है, लेकिन जिसका हाथ में कलम होती है उसको चलानी चाहिए। यहाँ चला के जाते 20-30 करोड़ रुपए दे देते इसको, हम मांग नहीं करते लेकिन उनका हक बनता था कुछ देने के लिए, लेकिन इसने इतनी मजबूती के साथ अपना पूरा परिवार संभाला, खुद संभाले, जो कि इसका इतना बुरा हाल हो रहा था उस टाइम पर कि ये सैनिक था, हम इसको सलूट करते हैं कि पूरा परिवार से मरा इतने दुख के पार टूटने के बावजूद, उसके बाद भी कोई ऐसी चीज़ होती है तो बहुत दुख होता है। अपना परिवार की बात सुनी, डिप्टी सीएम की बात सुनी, परिवार की कोई मांग नहीं है, न किसी चीज़ की मांग डिप्टी सीएम के सामने रखी, बस जो समाज जो गाँव इकट्ठा रहा उनकी मांग भाई स्टेडियम शहीद निशान सिंह मलिक के नाम पर कर दिया जाओ, स्कूल का नाम ऑलरेडी कह के गए हैं भाई उसके नाम पे हो जाएगा, कोई लाइब्रेरी और कोई मेडिकल की सुविधा उसके नाम पे कर दी जाओ। भाई परिवार की इतनी मांग है, जो आगे जो युवा पीढ़ी आने लग रही उस नाम तक उस प्रेरणा मिले। भाई तारा के कुछ कहना है, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर, मिलाएंगे तब तक वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत जय भगत।